दोस्तों कहा जाता है कि इंसान अगर किसी चीज से डरता है तो वह है सांप, जो एक झटके में किसी इंसान की पहचान को खत्म कर सकता है। आप सभी ने अब तक दुनिया के कई जहरीले सांपों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े सांपों से मिलवाने वाले हैं। कुछ ऐसे सांप जो एक बार में गाय, इंसान और बकरी जैसे जानवरों को निगल जाते हैं। 33 फीट एनाकोंडा। ये एनाकोंडा ब्राजील में एक साइट कंस्ट्रक्शन के दौरान देखा गया था। वहाँ खड़ी एक इमारत को गिराया गया था तो वहाँ गिरा हुआ मलबा अपने आप हिलने लगा। जब मजदूर आगे बढ़े तो उन्हें बहुत ही बड़ा एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद वह सभी दूर भागने लगे। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट में मौजूद इंजीनियर ने बड़ी सूझबूझ से सांप की पूंछ को बांधकर एक 3 मंजिला ऊंची क्रेन से उठा लिया, लेकिन सांप की लंबाई ज्यादा थी, जिसकी वजह से सांप का मुंह अभी भी जमीन पर लग रखा था। इस सांप की लंबाई 33 फीट और मोटाई 31x2 फीट थी, लेकिन ये सांप मलबा गिरने और इसके बाद क्रेन से उठाए जाने की वजह से जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति की रचना कितनी अद्भुत और अनोखी है। ब्राजील रिवर एनाकोंडा। ब्राजील की नदी में कुछ लोग घूमने निकले थे, तब उनका सामना बेहद विशाल एनाकोंडा से हुआ था, जो उनकी नौका के आसपास घूम रहा था। इस एनाकोंडा का पेट फूला हुआ था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि इसने हाल ही में किसी बड़े जानवर को अपना निवाला बनाया था। इस वीडियो में नाव चला रहा आदमी काफी बार सांप को पकड़ने की कोशिश करता है। इस वीडियो को कई न्यूज चैनल वाले ने भी कवर किया था, जिसके बाद नाव में सवार इन 3 व्यक्तियों को सांप को परेशान करने की वजह से $600 का फाइन भी भरना पड़ा था। दोस्तों अगला आता है मेडूसा। 12 अक्टूबर 2011 को कैंसास सिटी में यह पाइथन खोजा गया था। ये सांप 25.2 फीट लंबा था और उस समय इसे दुनिया का सबसे लंबा सांप समझा जाता था। इस सांप की उम्र 10 साल की थी और इसे उठाने के लिए 15 आदमियों की सहारा लेना पड़ा था। दोस्तों इस सांप को पकड़े जाने के बाद फुल मून प्रोडक्शन नाम की कंपनी ने अडॉप्ट किया था और इस सांप को मेडूसा नाम दिया गया था, जिसे खाने के लिए खरगोश और हिरण जैसे जानवर दिए जाते थे। कॉन्गो स्नेक। ये सांप अफ्रीका के कॉन्गो देश के जंगल में एक पायलट ने देखा था। जब उन्होंने देखा कि ये जीव असल में बेहद बड़ा सांप था, उन्होंने ऊंचाई से इस सांप की कुछ फोटो भी लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर से सांप के पास पहुंचे तो सांप ने उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। इन तस्वीरों का अध्ययन करके सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि ये सांप 100 फीट के आसपास रहा होगा। दोस्तों अगला आता है द नाबू। दोस्तों अफ्रीकन लोगों की कहानियों के अनुसार नाबू एक बहुत ही डरावना सांप है, जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा बताया जाता है। कि नाबू का सर बिल्कुल ड्रैगन की तरह होता है और इसके मुंह पर सांस लेने के लिए 7 नाक होते हैं, जो इसे देखने में और भी डरावना बना देता है। यहाँ के लोकल लोग जो कि आदिवासी है, इनका मानना है कि ये सांप दानव की तरह बहुत ही डरावना है। उसे उसके सांप वाले रूप में भी लोगों ने कई बार देखने की बात कही है। 49 फीट रेटिकुलेटेड पाइथन। ये एक 49 फुट का अजगर यानी कि 15 मीटर लंबा है। इसकी तो लंबाई देखकर ही किसी की जान निकल जाए। एक बार इंडोनेशिया में एक पति पत्नी काम कर रहे थे, उन्हें अचानक ये सांप दिखाई गया। उस समय ये सो रहा था। उसे देखकर पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि इतना बड़ा ये है क्या, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये सांप है और वो भी अजगर, तो उन्होंने लोकल प्रशासन को इसकी खबर दी। इसे जैसे तैसे पकड़ा गया, अब ये एक जू में बंद है। इसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी इंसान को ये एक ही झटके में निगल सकता है। जू में जो इसके देखभाल करने वाले लोग हैं वो भी इससे डरते हैं। कई बार ये साल अजगर इन पर भी हमला करने की कोशिश करता है। किंग कोबरा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि किंग कोबरा को सांपों का राजा क्यों कहा जाता है? आखिर पूरी दुनिया इन्हें देखकर क्यों डर जाती है? आपका सोचना बिल्कुल सही है, ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। अगर किसी को इसने डस लिया तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। ये 10 मीटर से लेकर 13 फीट लंबे होते हैं। हालांकि दुनिया का सबसे लंबा कोबरा सांप 18 फीट 9 इंच का पाया गया था, जो इंडोनेशिया में पकड़ा गया था। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये एक बार में 7 ml जहर अपने अंदर से निकाल सकते हैं? अगर इस सांप ने किसी इंसान को काट लिया तो समझ लीजिए कि 30 मिनट के अंदर उसकी मौत तय है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये एक बड़े हाथी को एक बारी में काट ले तो वो 3 घंटे के अंदर मर जाता है। शायद यही वजह है कि इन्हें सांपों का राजा कहा जाता है। ब्लैक माम्बा। ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये सांप अफ्रीका के सहारा जंगल में पाए जाते हैं। इन्हें इनके ब्लैक कलर के जबड़े के लिए भी जाना जाता है। ब्लैक माम्बा को चूहा खाना बहुत पसंद है। यहाँ सांप तकरीबन 6 फीट से 9 फीट लंबे होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये इंसानों से लंबे होते हैं। हालांकि अफ्रीका में एक बार 14 फीट लंबा ब्लैक माम्बा देखा जा चुका है। ये सांप जब किसी को बाइट कर ले तो उनके पास बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट होते हैं। ये रेंगने में भी बहुत तेज होते हैं। ये 1 घंटे में 12 मील तक बिना थके बिना रुके रेंग सकते हैं। कहा जाता है कि ये अफ्रीका के रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन कई बार इन्हें शहरी इलाकों में भी देखा जा चुका है। हर साल अफ्रीका में 3 से 4 हजार लोग इन सांप के काटने से मर जाते हैं। आज तक इनके डसने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सका है। दोस्तों ये थे कुछ दुनिया के सबसे बड़े सांप। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।